तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म से जुड़े अपने एक बयान के कारण विवादों में घिरे हुए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक बयान में कहा था कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना पड़ता है। सनातन भी ऐसा ही है। इस विवादित बयान पर कई नेताओं ने इसे नाराजगी जताते हुए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताते हुए बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बीजेपी को घेरने की भी कोशिश की है। धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह समाप्त करने के अपने घोषणा पर कायम। राहुल गांधी जी, सनातन धर्म का खुला इंसल्ट किया गया है आपके एलाइज के द्वारा, आप खामोश क्यों हैं? मंदिर आप जाते क्यों हैं? दिखावे के लिए क्या है? आप जिस तथाकथित घमंडिया ग्रुप के साथ देश को बदलने की बात करते हैं, मोदी जी को हटाने की बात करते हैं, यही अहंकार है जिसके कारण आपको हम लोग घमंडिया कहते हैं, आपके ग्रुप को। ये पूरा ग्रुप वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है, हिंदू हितों की अवहेलना करेगा, करता है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन सत्य है, सनातन चिरंतन है, सनातन स्थायी। मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। हिंदू आतंकवाद कहने की होड़ कांग्रेस में एक के बाद दूसरे नेता की लगी है। आखिर इनकी मंशा और मानसिकता क्या है? ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, उन्होंने इंडिया अलायंस की मुंबई की मीटिंग के बाद जिस तरह से स्टेटमेंट किया, विच इज़ वेल प्लान्ड स्टेटमेंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। हर वक्त सनातन हिंदू धर्म पर इस तरह से स्टेटमेंट करके सनातन हिंदू धर्म वो मिटाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि इस तरह से सभी हिंदू धर्मवासियों ने इसका निषेध कर देना चाहिए। इस तरह से हमेशा के लिए इनकी नीति रही है, इनकी कृति रही है हिंदू धर्म का नाश करने की। लेकिन सनातन हिंदू धर्म, सनातन काल से ये हिंदू धर्म उभरता आ रहा है। मिस्टर स्टालिन और द एंटायर द्रविडियन आइडियोलॉजिकल पीपल, सनातन धर्म हैज सीन लैक्स ऑफ पीपल लाइक देम and has stood the test of time. It has seen worst invasions in this country. It has seen destruction. It has seen lot of emotional demolition and all sorts of atrocities against the people who followed Sanatana Dharma. उदयनिधि ने अपनी टिप्पणियों के लिए अब तक माफी नहीं मांगने का विकल्प चुना है। अगर किसी ने उन पर मुकदमा दायर किया तो वे अदालत में जवाब देने के लिए तैयार है, ऐसा उनका कहना है।